हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो पांच क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी है। अतः लास्ट तक करंट अफेयर्स के टॉपिक को जरूर देखें, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें अगर आप न्यू कमर्स हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द वायरस whose global risk degree was increased from moderate to high by World Health Organization recently. आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वायरस है जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे डेंजरस और रिस्कफुल बताया गया है। बताएं, पहला मरबर्ग वायरस, सेकंड है हेंटा वायरस, थ्री है, तीसरा है लैसा वायरस, और सी है कोरोना वायरस, और फाइव है एबोला वायरस। बताएं फ्रेंड्स पांचों में से क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर है चौथा, कोरोना वायरस। फ्रेंड्स कोरोना वायरस की बात करें तो चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बहुत तेजी से देखा जा रहा है। इस वायरस के इम्पैक्ट के साथ ही जुकाम के साथ साथ आपको बुखार जैसा फीलिंग महसूस होगा, साथ साथ में इस वायरस के इम्पैक्ट के कारण निमोनिया जैसी बीमारी भी देखी जा सकती है। अतः इससे वर्तमान में 500 से अधिक लोग चाइना में मारे जा चुके हैं, जबकि भारत में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द थीम ऑफ द 30th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल That was inaugurated in Dhaka, Bangladesh. यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो ढाका में कंडक्ट हुआ था, इसका थीम क्या था। पहला है थीम टिल वी मीट अगेन, थीम विल द वर्ल्ड, थीम था। तीसरे में है बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी। चौथे में है थीम अंडर द वर्ल्ड, और पांचवा है थीम फिल्म दैट चेंज द वर्ल्ड। बताएं फ्रेंड्स पांचों में से क्या उत्तर होगा, यानी 13वें अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कंडक्ट हुआ था, उसका थीम क्या है, इसमें से क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए इसका आंसर है चौथा, थीम अंडर द वर्ल्ड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राजील हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली ऑल्सो अटेंडेड द 71st रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया एज द चीफ गेस्ट। यानी इसमें से कौन ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जो 71वें गणतंत्र दिवस पर भारत में एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए। पहला है फर्नांडो हेनरिक कार्डोसा, दूसरा है मिचेल टेमर, तीसरा है लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, चौथा है डिल्मा राव सेफ, और चौथा है जेर मेसेस बोल्सोनारो। बताएं फ्रेंड्स पांचों में से क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर है पांचवा, जेर मेसियस बोल्सोनारो या जेर बोल्सोनारो 71वें रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और ये ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। जब ये भारत के दौरे पे आए तो इन्होंने भारत के साथ 15 महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किया है, साथ साथ में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। आइए चल फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which year is set as target for the Indian Railways to run entire railway network with 100% of electricity? यानी इसमें से किस साल भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण 100% किया जाएगा? पहला है 2026, 2027, 2025, 2024 और 2022। बताएं पांचों में से क्या उत्तर होगा फ्रेंड्स आपका। चलिए फ्रेंड्स का आंसर है चौथा, 2024। यानी टारगेट है 2024 तक भारत को या भारतीय रेलवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट कर देना, या जितने भी लाइंस चल रहे हैं डीजल लाइंस को भी एज ए इलेक्ट्रिसिटी लाइन में तब्दील करने का टारगेट 2024 रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय इंडिया एंड ब्राजील टू अचीव 15 बिलियन बायलैटरल ट्रेड। यानी कि इसमें से भारत और ब्राजील ने किस ईयर में द्विपक्षीय व्यापार को 15 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? ए 2027, बी 2021, तीसरा 2023, चौथा 2025 और पांचवा 2022। फ्रेंड्स बताएं, कोशिश कीजिए।
टेल मी प्लीज। चलिए इसका आंसर है आपका पांचवा 2022। इन 2022 तक इंडिया और ब्राजील ने बायलेटरल ट्रेड को $15 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स का टॉपिक है ऑपरेशन वेनिला। फ्रेंड्स इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन वेनिला मेडागास्कर क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इसके पीछे मेजर रीजन है मेडागास्कर में साइक्लोन आवा के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया है, अतः इसे सहायता या निजात दिलाने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा एज ए ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया है, अतः ये आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स अगर बात करें तो इंडियन नेवी ने अपना शिप एरावत ने एज ए इस मिशन में पार्टिसिपेट किया है। अगर हम मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर की राजधानी या कैपिटल एंटानानारिवो है। करेंसी मालागासी एरी आरी है। प्रेसिडेंट यहाँ पे एंड्रे निरीना राजियोलिना है, जबकि प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो क्रिस्टीना लुइस नेटसे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव। फ्रेंड्स थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव की बात करें तो गुजरात के राजधानी गांधीनगर में तीसरा ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव कंडक्ट किया गया, और यह थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर इसे न केवल इनॉग्रेट किया गया बल्कि साथ साथ में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहां पर इस कॉन्क्लेव को एड्रेस भी किया था। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव कहां पर हुआ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगर यहां पे फोर डेज जो चार दिन का जो एक कॉन्क्लेव है इसे ऑर्गेनाइज जो किया है इंडियन पोटैटो एसोसिएशन के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ साथ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स लीमा जो पेरू में है के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अतः एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहां पर स्थित है, लीमा, और लीमा किसकी राजधानी है, पेरू की। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स देखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर्स की बात करें तो अभी हाल ही में तेलंगाना ने वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर्स को इनॉग्रेट किया और इसका इनॉग्रेशन हैदराबाद में किया गया। बेसिकली कहां पर, तो कान्हा शांति वनम जो हैदराबाद में है यहीं पर वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है। यहां पर जो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ श्री रामचंद्र मिशन एंड हर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, यानी अगर बात करें तो ये मेडिटेशन बेसिकली देखा जाए तो श्री रामचंद्र मिशन की 75वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर का फॉर्मेशन किया गया है। यहां पर अगर तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर की बात करें तो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरा राजन है, स्टेट फ्लावर सीना ऑरिकुलेट है, स्टेट ट्री जांद है, स्टेट एनिमल चीतल है और स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है। फ्रेंड्स अच्छी तरह से तेलंगाना के बारे में भी नोट कर लीजिए। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर्स कहां पर ओपन हुआ, हैदराबाद, किस जगह पर, कान्हा शांति वनम क्षेत्र में। चलिए फ्रेंड्स एनटीपीसी टू डेवलप 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण कंट्री टोगो में 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है, अतः अफ्रीका क्षेत्र में भारत के द्वारा या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा लगाया गया पहला सबसे लार्जेस्ट सोलर मेगा वॉट प्रोजेक्ट है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि एनटीपीसी ने किस वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में ऐसे 300 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया। हम सारे इस टोगो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो 7 नवंबर 1975 स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि चेयरमैन की बात करें तो गुरदीप सिंह है। यहां पर अगर बात करें
तो टोगो की बात करें तो टोगो की राजधानी लोमे है, जबकि यहां पे करेंसी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका CFA फ्रेंड्स यहाँ की करेंसी है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।